नहीं बेटा, सर नहीं मानना बेबी। इसके यहाँ कितनी धूप है यार, यहाँ कितनी धूप है यार, कितनी धूप है। तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और खुश होने की एक्टिंग कर रही हूँ मैं। मेरी आज जो नैनी है, मतलब इन लोगों की नैनी, उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन नहीं होता, बट मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ है। और वैसे वो आ जाएंगी फिर 4-5 दिन के लिए आएंगी, बट वो भी क्यों हैं मैं आप लोगों को बताऊँगी। ऐसा आप कहें तो मुझे मेरे बहुत पुराने 5-5, 6-6 साल पुराने टॉप मिल गए, जो ये है। तो कल रात को खाना किसी ने नहीं खाया था, हम लोग यहाँ गंजर का खाना जो बना था ना, उसमें लाइक मम्मी का, तो राजा ने नहीं खाया रात में। फिर मैंने डुबू जिया के साथ थोड़ा सा खाया और उसके फिर हम घूमने चले गए, फिर आके इतना थक गए कि सो गए। कल हम 1 घंटा वॉक किया है कल हम लोगों ने। तो थोड़ा सा रूटीन मैं अपना सही कर रही हूँ ताकि मैं अपना ये वाला फैट अलग कर पाऊँ, ये वाला फैट अलग कर पाऊँ और बैक का जो फैट है वो अलग कर पाऊँ। तो मैं जल्दी से पूरी बना रही हूँ, अब क्या करें यार, वो बचा हुआ था ना, मुझे लग रहा वही बना लो। अभी कोई मेहनत करनी पड़ेगी पूरे खाने के लिए, 1-2 पूरी ही खाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहाँ बोल रही हूँ वेट कम करना और कहाँ मैं पूरी खा रही हूँ, क्योंकि कल किसी ने पूरी नहीं खाई बच्चों के अलावा। चलो जी बना लें। गोभी भी रखी है, चने भी रखे, पूरा खाना है जैसे रखा हुआ हमारा आज। और दिन से भी हम लोगों ने फिर चाय और ब्रेड खा के रखी, तो मेरे को लगा कि बना लेते हैं कि खाना ना वेस्ट हो। राजा तुमने तो 1 पूरी भी नहीं खाई ना कल। कल राजा ने 6 मंगवाए थे ऑनलाइन, जिसमें से 3 अभी ऐसे कर दिए हालत में कि पूछे मत। ये फ्रिज के ना स्टिकर्स हैं और इसे और अच्छे अच्छे भी आते हैं, मैं वो देख रही हूँ कहीं। बर्गर, सैलेड, हॉट डॉग, फ्रेंच फ्राइज का क्या हुआ? फ्रेंच फ्राइज को देखिए बच्चे ने क्या किया। ये क्या है? रोल है, ये रोल है, काठी रोल। अभी खाता है फ्रेंच फ्राइज। शाम की चाय भी कर रहे हैं, मैं हलवा निकाल रही हूँ, माजा पी रही हूँ, माजा से निकलोगे। ये फ्रिज में नहीं रखते, फ्रिज के ऊपर रखते हैं यार। ये बच्चों को फ्रिज प्रेम को ज्यादा ही रहता है, सारा सामान मेरा ना फ्रिज में मिलता है, इनकी कार, खिलौने। आ जाओ, चलो फ्रिज बोल देगा कि बाय बाय भगो। पापा जी, जिया की नैनी चली गई है, सब कुछ बहुत भारी भारी सा हो रहा है। तो उनका जाना था 1 से और उनको 1 से कहीं पे ज्वाइन करना था उनके पास में,
हम लोग का सालों का था कि मेरे को लगता था कि हम सालों साल रहेंगे, बट मैंने आपको उनकी हेल्थ की कंडीशन बताई थी। ऑल दो बीच में तैयार भी थी, उनके हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि वो यहीं पे कर लें काम, पर उन्हें पता है उनकी हेल्थ। एग्जैक्ट इंसान वही जानता है, एग्जैक्ट इंसान वही हेल्थ जानता है अपनी जिसपे बीत रही है, और कोई आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कमेंट नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि आप वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। हुआ था उनको जाना था आज कौन सा तारीख है, 22 से 26 तक या 21 से 25 तक। मेरे अंदर डेट की काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मेरी जो खुद की हेल्प है वो भी, जो मेरे यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं वो भी गई हुई हैं, तो कल से वो भी अनिश्चित काल के लिए गई हैं। 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, फ़ोन पे बताएंगी वो। तो इसलिए मेरे दिमाग में जो डेट्स हैं वो नहीं हो रही। अभी वो परसों भी छुट्टी पे थी, ऐसे ये भी छुट्टी पे थी बीच में, तो काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो रही हैं सबकी। तो हम लोग कहीं ना कहीं टैकल कर रहे थे, तो चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हमें लगी थी बच्चे को संभालने की। तो ना वही कहाँ जाना है इसे, बाहर जाओ। तो इनके यहाँ इनको आज छुट्टी लेनी थी आज भी, पर आज इन्हें नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें रामायण में ही जाना है। इनके यहाँ पर कोई एक्सपायर भी हुआ है, वहाँ पे भी इन्हें जाना है, तो और शादी है, तो रेगुलर इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि हम आज बेटा डुबू को मां तो उठाओ ना, वो सो लाया ना बेटा। तो उनका था कि वो फैंक एंड टॉक, बच्चों के पैसे से बात कौन कर सकता है। आई लव मॉम एंड डैडी, इसको बहुत रोना आ रहा था, रो रही थी ये, मजा ली थी तो लो रही थी ये लो रही थी, अब ये हच ले हच हच ले आई लव यू। इनका भी चल रहा था, तो इन्हें आज बोला कि अब वो लगातार जाएंगी, 26 को आएंगी डायरेक्ट, मतलब आज थी 18, 19 से 26। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है, अगर वो नहीं आई है तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो अगर वो सिंगल सिंगल डेज की छुट्टी मारती हैं तो हम लोग वो दिन आगे बढ़ा देते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, क्योंकि वो जो एजेंसी है वहाँ से हम जितने लोग भी बुलाए हैं वो सब ऐसे रहते हैं, वो बच्चा नहीं संभाल पाते हैं। लाइक ट्रेंड स्टाफ नहीं है, वो कॉलेज स्टाफ आता है, जो बच्चे बच्चे से लड़कियाँ रहती हैं ना 17-18 साल की, तो वो लोग आते हैं, तो हम लोग अक्सर मना कर देते हैं। तो मैंने अभी फ़ोन किया उनको, और मतलब इनने फ़ोन किया था कि हमें अब तो चाहिए होगी, क्योंकि लगातार 1 हफ्ता है। तो इनका आज आखिरी दिन कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों का जो एजेंसी से है वो एडवांस पेमेंट चलती है, और वो चलती है जो हमारी सुबह जो सबसे पहली वाली नैनी थी उन्हें हम 13K पे कर रहे थे एजेंसी को। अब वो जितना भी दे रहे हो वो एजेंसी और उनका वो रहता है, तो एजेंसी को हम 13K पे कर रहे थे। तो वो 8 बजे तक थी, उसके बाद जब हमने वो 7 बजे तक दे रहे थे, हमने बोला 8 बजे तक लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी थोड़ी छोटी थी ज़्यादा, तो 1 घंटा बढ़ाया था, तो उन्हें 1,000 बढ़ाया था, और 12 की जगह 13,000 हो गया था। उसके बाद जब ये आई हैं तो इनका वैसे घर दूर पड़ता है, तो ये 8 बजे तक तो रुक ही नहीं सकती थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो 7 बजे तक ही रुक सकती थी। तो 7 बजे का इनका टाइम रहा, तो 1 घंटा डिडक्ट हुआ, तो वो 12,000 हो गया। तो जब हम मतलब वो पता किस तरह से पेमेंट लेते हैं, जैसे सबसे पहले जब नैनी लगी थी तो 6,500 ने पहले लिए थे, फिर 15 दिन कवर करे, फिर 15 दिन के बाद फिर 6,000, मतलब एडवांस पेमेंट चलती है। तो हम इनको एडवांस दे चुके हैं 6,000, हमें 15 दिन अपने पूरे करने थे। अगर रेगुलर आती रहती तो हम इन्हें 6,000 पे कर देते एक बार फिर से, और 1 तारीख का हो जाता, तो ये पूरा 1 महीना कवर होता, पर इस बीच में काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो गई। तो हमारा अब जा रहा था 21-22 तक का महीना, और फिर बीच में एक दो छुट्टी हुई, मतलब 23 तक महीना जा रहा है। अगर हम इनको फिर से 6,024 तारीख को पे कर देते हैं, तो हमारी जो ये नैनी है वो 1 तारीख को कहीं और ज्वाइन करने के लिए कह रही है, इन एजेंसी से हमें लेनी नहीं है, और हमारे फिर जो दिन हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि 15 दिन हम कवर नहीं कर पाएंगे इनके साथ, क्योंकि इन्हें कहीं और भी देखना था। तो इसीलिए इनका आज लास्ट डे हो गया, या ये कह रही है कि शायद परसों आ जाए, शायद अगर वो कवर कर सकती हैं तो वो कर सकती हैं। तो वो 15 दिन हम बस कवर कर रहे हैं इस एजेंसी से, जो कि हमारे ऑलमोस्ट आई थिंक 11-12 दिन हो गए हैं, 2-4 दिन हम लोगों के बचे हैं। तो वो मेरे पास काउंट करने है, और उस हिसाब से हमें बुलाना है, और अपना वहाँ से पैसा कवर करना है, क्योंकि रिफंड तो वो देंगे नहीं, हम कहते हैं ना फैसिलिटी ले लेते हैं उनसे, फिर बेसिक कोई और आए और उनसे मैं कुछ और काम देख लूँगी।
हालांकि बच्चा कोई संभालता नहीं है, घर का काम कोई करता नहीं है। तो जब से ये हम इस घर में शिफ्ट हुए कोई दूसरा बंदा आया नहीं है इनके अलावा, अगर ये छुट्टी पे गई हैं एक दो दिन की भी, तो हम लोगों ने उस चीज़ को मैनेज किया है। तो इसीलिए फिर अभी जो एजेंसी वाले थे वो कह रहे थे कि आप चेंज कर रहे हो क्या, हमने बोला नहीं हम नहीं चेंज कर रहे, हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो भी ज्वाइन कर रही हैं कहीं से। तो उनका ऐसा ऐसा आया तो फिर हम लोगों ने इसलिए हम लोगों ने सोचा, वरना हम लोगों का तो ये था कि हम उन्हें लगा के रखते यार, वो एकदम परफेक्ट। मेरे को एक इंसान मिला था जो परफेक्ट था, सिर्फ घर का यार दूर हो गया, और मेरे से कुछ लोग कह रहे थे सैलरी बढ़ा दो, तो ऐसा वो सैलरी का इशू ही नहीं है, वो उनकी हेल्थ का इशू है और ट्रैवलिंग इशू है। तो ट्रैवलिंग इशू के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन जाएगा, बहुत दूर है छोड़ना। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि यार ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, पर कोई नहीं। इवन उनके हस्बैंड कभी कभी जब उनकी बहुत वो होती तो आ जाते, पर ऐसे कोई भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है, ट्रैफिक पड़ जाता है, अगले का दर्द हो जाता है, और कहीं ना कहीं जिया भी थोड़ा भगने लगी है, तो वो भी डेंजरस उन्हें लगता है। जॉब वाइज बच्चा संभालना थोड़ा यार, पता क्या होता है आप घर के 10 काम कर रहे हो वो जॉब बहुत सेफ है, मैंने भी देखा है, अगर आप बच्चा संभाल रहे हो तो वो जॉब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि बच्चे का कुछ नहीं पता होता, बच्चा कभी भी कहीं से गिर जाता है और एकदम से माँ बाप शॉक हो जाते हैं, और वो एकदम से जिस तरह से रिएक्ट कर दें, या अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो वो जॉब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली है। क्योंकि अगर आप किसी को नैनी रख रहे हो तो आपको होना चाहिए कि वो इंसान एकदम परफेक्ट हो, तो ये एकदम परफेक्ट थी हम लोगों के लिए, इनके लिए। इवन मेरी रसोई में काम है या कुछ है तो सब कर देती थी, खाना अगर मेरी तबीयत ख़राब है, ओ माय गॉड याद आ रही है, पता है अंदर से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है सब कुछ कर देती थी। लाइक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें मिला हुआ था, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस उनके हम लोगों को छोड़ना पड़ रहा, और एजेंसी जो है वो से हम कंटिन्यू रखना नहीं चाहते, तो हम अब एक लोकल ही रखेंगे। लोकल में जैसे एक पहले मैंने रखी हुई थी, जो लोकल रखते हैं ना वो घर के काम के लिए सही रहती है, वो मैंने रखी हुई थी, एक 6K में रखी थी, तो वो सुबह से रात तक ले शाम तक 6 बजे तक पूरा काम देख लेती थी। बच्चे को मैं नहीं संभालने देती थी क्योंकि वो पूरा घर का ही काम, पूरा उनकी साड़ी वाड़ी कभी जाले साफ करें कभी कुछ करें, तो वो होता था कि यार थोड़ा बच्चा उस टाइम छोटा भी था तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, बट जिया और डुगू जैसे खेल रहे हैं तो एटलीस्ट ये है कि वो उन पर नज़र रख पाएंगे। तो अब मैं लोकल ही कोई देखूंगी, मैं एजेंसी के थ्रू नहीं करूंगी कॉन्टैक्ट, क्योंकि एजेंसी के थ्रू ऐसा होता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं रहती, और आपको कभी भी कुछ कोई भी अपॉइंट कर देते हैं वो लोग, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी एजेंसी क्या हुआ, बाकी एजेंसी जो रहती है वो सेफ रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, अगर इनकेस फ्यूचर कोई नहीं चाहता कि वही मिस हैपनिंग हो, बट इनकेस अगर कुछ ऐसा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, बट उससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाएगी ऑब्वियसली, यार बच्चों का केस बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो इसीलिए उनका आज लास्ट डे था, और मैं सुबह से खुश रहने की, मैं पता है बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मुझे काफ़ी इफेक्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे बहुत दिनों से इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सहारा रही है इतने टाइम में, क्योंकि जिया जब से चलने लगी है तब से जिया मस्ती मस्ती करने लगी है। अच्छा How dare you? 4 दांत हैं, ब्रश तो करना है। किसके लिए लड़ गई मालूम, लेने के लिए चाकू, चाकू चाहिए सीखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी अभी से बन रही है, जूनियर खिलाड़ी। चीज प्यारी है ये मेरी बच्ची, तो इसलिए यार सेफ्टी इशू के कारण अब हम उस एजेंसी से नहीं रख रहे, तो और 15-15 डेज का एडवांस है, तो मैं एडवांस देके भी कुछ नहीं कर लूंगी। लड़ मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पता है कल भी ऐसा लगा था जैसे मुझे चक्कर है, मुझे अभी भी लगा मुझे चक्कर है।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और कल मैंने अपना कंफर्ट फूड बनाया, जिससे कि मुझे पता नहीं बहुत कंफर्ट फील होता है, वो है दाल चावल. वो खाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सा हो रहा था और बहुत अंदर से लग रहा आज बहुत ज़्यादा हो रहा है. और आज जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी नहीं आई, पूरा घर सब कुछ मैसी है. तो बस सब बच्चों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, स्पेशली नैनी और ये. तो हम लोग एक हेल्प देखेंगे जो घर का काम करे, बाकी बच्चे हम खुद संभालेंगे. क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चे वो नहीं आ रही है तो हम लोग एकदम से ना अजीब सा फील करने लगते कि यार कैसे संभालेंगे. तो जी अभी सो गई थी, सुबह उठ के से नहला दिया दोनों बच्चे. आज खुद से नहाए, खुद से पता कैसे नहाया, मैंने कूलर भरने के लिए पाइप लगाई थी बरामदे में, डुगू गया पाइप ली, वो पाइप से खुद से नहाने लगा. तो मैंने फटाफट शैम्पू वगैरह लगाया, तो मैं जिया को भी ले गई. तो डुगू तो खुद ही नहाया, पूरा खुद नहाया वो आज. और फिर जिया को मैंने फटाफट नहलाया, दोनों को रेडी किया और दोनों को मैंने हाथ के हाथ में बुलाया कौन बाथरूम में लेके जाएगा. माएँ ऐसी ही होती हैं कि जितनी जल्दी बच्चा अपने काम से हो जाए कि फिर मैं एक एक को लेके जाती हूँ, मुझे लगा दोनों ही साथ में नहा लिया, तो दोनों ने साथ में नहा लिया है. और जी आप जब नहा लेती है तो सो जाती है नहा के. तो डुगू को मैंने भी खाना खिला दिया जी. ओके जी आपको भी खिलाना है. तो अब मैं रसोई साफ़ कर रही हूँ. तो रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, लाइक सिंगल कुछ भी नहीं किया था, कि डब्बे भी सब कुछ अपनी जगह पर रखे हुए थे. मन ही बहुत अजीब सा हो रहा था कि पता है, पर एक बात मेरे को आया कि आपको किसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और जिया जो थी वो भी कल बहुत गंदे मूड में थी, और मुझे नहीं मालूम है कि उसे कैसे समझ में आई चीज़ें, बट वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती जब वो जाती हैं जिस तरह से वो कल रिएक्ट कर रही थी. क्या मालूम यार, मेरे को समझ में नहीं आया, ये बहुत अजीब सी बात थी. बट वो बहुत अपसेट थी, बट सुबह वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी. तो यहाँ पर मैं गैस क्लीन कर रही थी, और मैंने डीप क्लीन नहीं करी क्योंकि पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता और मुझे उसके बाद बहुत सारे काम भी निपटाने थे घर के. तो ऊपर से मैंने गैस साफ कर दी, और अभी ये मेरा 3-4-5 दिन कितने दिन यही रूटीन रहने वाला है. क्योंकि नैनी तो गई हैं, उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आएगी और हम 2-3 दिन के लिए ही आएगी क्योंकि हम उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर रहे. बट घर के काम में जो काम उनको हेल्प करती हैं वो भी नहीं आ रही हैं, तो उनका भी पता नहीं कि वो कब आएंगी. तो अभी मेरे साथ रेगुलर यही होना है. और काम आप कितनी भी देर में निपटा लो, बट आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, आपका बच्चा जो डुगू जितना है या 1.5-2 साल का भी जब होने लगता है बच्चा, क्योंकि डुगू ये बहुत पहले से करता है, तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे झाड़ू लगाने देता है, मेरे को डस्टिंग करनी होती डस्टिंग नहीं करने देता, टेबल नहीं साफ करने देता. मतलब खुद करेगा, मैं ना करूँ. जब पापा उसको झाड़ू लगाएंगे उन्हें करने देगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं कपड़े भी डालने जाती हूँ ना, तो कपड़े भी डाल के आता है, मशीन लगा के आता है, वो मुझे कुछ काम नहीं करने देता है कि उसे करना है. तो यहाँ पे वो जूना लेके खड़ा था, जब तक मैं खड़ी रही बर्तन करती रही तो वो खड़ा ही रहा. तो वो मेरा एक काम का साथी है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे डुगू आपको मिलेगा ही मिलेगा, काम करता हुआ फ्री नहीं बैठेगा. फिर मैंने यहाँ पे वाइपर किया, अब उसने भी वाइपर किया. उसके बाद बर्तन मैं उसे एक दे देती हूँ और उसे जूना लगा के दे देती हूँ, तो वो उसी में लगा रहता है क्योंकि वो इतने सारे बर्तन धोएगा नहीं ऑब्वियसली, पर उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि एटलीस्ट ये हो गया. आटा गूंद रही हूँ तो उसको थोड़ा सा आटा दे दिया, तो वो आटा, मतलब बच्चे थोड़े एक्टिविटीज़ करते हैं उनको करने दो. बट कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी यहाँ पे क्योंकि बहुत काम पड़ा था. यहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी, वो देख रहा था कि बस क्या करना है, उसने यहाँ पे पता नहीं क्या किया था यार, कुछ ना कुछ उसने पैर से वो किया था, तो मैं उसको देख रही थी कि क्या कर रहा है. उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खिलौने अरेंज कर रही हूँ, और जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो उनको झाड़ू भी चाहिए. तो मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, मेरे को देना पड़ता है, उसे झाड़ू भी देनी पड़ती है. तो फटाफट मैं उसे थोड़ा सा अलग कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं पहले झाड़ू लगा दूँ, फिर उसको झाड़ू दे दूँ ताकि वो क्लीन घर में और झाड़ू लगा ले. तो वो झाड़ू लगा रहा था, तो मुझे एक एक कमरे की झाड़ू लगाने में ना 15-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट डुगू झाड़ू लेके घूमता है. वो यहाँ पे बन गया था हैरी पॉटर, और वो घूम रहा था हैरी पॉटर बन के. और यहाँ पे मैं जब पोछे की बाल्टी लेके आई, तो अब उसको पोछा भी लगाना है. तो उसको हर वो काम करना है जो मम्मी कर रही है. उसको मेरे को लगता है कि उसे लगता है कि उसकी माँ कोई काम ना करे, वो इतना अच्छा बच्चा है, उसे ये लगता है उसकी मम्मा काम ना करे. तो मैं बताने आई थी कि डुगू मेरे को एक भी काम नहीं करने दे रहा है. और राजा की नाक पे डुगू ने सर मार दिया था खेलते खेलते, तो राजा कहते मेरी हड्डी हिल रही है, तो मैं डर गई. हालांकि ऐसे कुछ नहीं था, मैं डरा देते हैं. उसके बाद फिर उसने मुझे पोछा दिया, फिर मैंने पोछा लगाया, फिर बीच में उसने पोछा फिर से लिया था बहुत देर. ये आपको छोटी सी क्लिप दिखेगी, बट जितना टाइम मुझे पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में, बर्तन करने में लगा है ना, वो
बहुत ज्यादा था। कभी कभी बीच में गुस्सा भी आ रहा था कि यार इनको ना एक दो घंटे के लिए कहीं पे ले जाओ, मैं फटाफट काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं जल्दी से पोछा लगा लूंगी। पोछा लगाने के बाद यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिशियन आ गए थे। कल हमारे घर में ना रात के 2:30 बजे के आसपास कुछ चिंगारी सी आवाज आई थी और बेडरूम के पूरे प्लग्स जो हैं वो उड़ गए जब सुबह हमने देखा। और हम लोग की जो प्रोजेक्टर लाइट या कौनसी लाइट बोलते हैं रसोई की, वो भी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। तो वही उनके लिए बुलाया था उसे ठीक कराने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे पोछा लगा के हो जाऊंगी फ्री, मतलब मेरा काम जो था वो हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिए थे, कपड़े मेरे धुले हुए थे वो मैंने सुखा दिए थे, फोल्ड करने वाला काम काफी बड़ा था। उसके बाद मेरे को नहाने जाना था, उससे पहले मुझे लगा कि बच्चों को, मम्मा ये बटरफ्लाई आ गई यहाँ पे, बच्चों को खाना खिलाओ। तो मैं बच्चों को खाना खिलाई थी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं एक्चुअली बहुत जोर कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे ऊपर बटरफ्लाई आके घूम रही है। मैं काम करके फ्री हुई हूँ, जो मेरा 1 घंटे का काम रहता है वो ऑटोमेटिकली 2.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा ये डुगो गिर जाओगे डुगो। तो इनको देखिए ये चाबी खींच रहा है, हुआ है और चली गई हैं इनकी नानी, तो परमानेंट चली गई हैं वो, अभी 4-5 दिन के लिए गई हैं। तो मेरी तो वाट लगी पड़ी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पेशली बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा हो जाता है। और मैं हमेशा हर ब्लॉग में देखती हूँ काम ज़्यादा हो गया, मुझे समझ में आता है, कुछ लोग सोचते होंगे हाँ बेटा, पर अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से कि मेरे को किसी का दुख नहीं हुआ आज तक इतना जाने का जितना उनका जाने का हुआ है। और उनका था ऐसा यार, वो आज नहीं छोड़ती तो वो 2-4 दिन बाद छोड़ती, 1 महीने बाद छोड़ती, क्योंकि परमानेंट रखना उनको पॉसिबल था ही नहीं, चाहे सैलरी बढ़ा के रखते या कुछ। जी अभी सुबह से तो मिस नहीं कर रही है, नॉर्मल है, पर हाँ जब कल रात में गई थी वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। और जब मैं ब्लॉक करती हूँ डुगो अपनी गाड़ी पक्का लेके आता है, पक्का लेके आता है। तो बच्चों को भी खाना खिला दिया, इनको नहला वला दिया मैंने, पर अब मेरे को भी जाना है, मैं जाऊँ नहाऊँ धोऊँ और उसके बाद फिर और काम भी देखने हैं। एटलीस्ट मेरे घर का झाड़ पोछा बर्तन हो गया ना, वो बहुत बड़ा काम था। बेडशीट मैंने उस रूम की झाड़ दी, इस रूम की झाड़ दी, इसलिए चेंज करनी है। कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं धुलने के लिए, नहीं मेरे कपड़े कभी भी धुलने के लिए नहीं पड़े होते, थै करने के लिए पड़े हुए। मैं कपड़े हमेशा, मेरी जो मशीन है वो थर्सडे छोड़ के हर दिन मैं लगाती हूँ। मेरे घर में कपड़े कभी ऐसे नहीं रहेंगे कि बिना धुले रहे, मेरे कपड़े घर में कपड़े हमेशा धुले रहते हैं। तो वो अभी बहुत बड़ा काम है जो कि करना है। और अब मैं जा रही हूँ यार नहा लूँ धो लूँ, है ना, और गंदे हो गई हूँ, पता नहीं ये ब्लॉग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट बहुत ही मन भारी हो रहा है, बस रो नहीं रही हूँ। तो मेरा हो रहा है कि कभी भी शी वॉज लाइक वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी थी वो, बस ये है ना। तो चलिए आने कुछ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।